अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में लकी ड्रॉ लगाने वाला धोखेबाज फरार होने में कामयाब हो गया और इससे आवाम परेशान है, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। नाज़रीन, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मासूम आवाम को धोखा देने और लकी ड्रॉ के नाम पर आवाम को लूटने वाले का की एक वारदात सामने आई। यू आर चॉइस इंटरप्राइजेस 20 महीने की स्कीम जिसमें कार, मोटरसाइकिल और दूसरे सामान रखता है, हर महाना 1000 रुपए लेते हैं। नाज़रीन, हम बता दें कि लकी ड्रॉ या जो भी ऐसे स्कीमात होते हैं ये गैर कानूनी है। अगर कोई पुलिस इसमें मुलविस होती है और पुलिस को मालूम होता है कि ये यहाँ पर लकी ड्रॉ है, उसके बावजूद पुलिस कुछ काम नहीं करती, तो इस मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। नाज़रीन, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ऐसे लोगों के बातों में ना आए जो लोग आपको स्कीम के नाम पर लूटते हैं। ये लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं और आपको लूटकर फरार हो जाते हैं। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगता है कि ये स्कीम के तहत हमको कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन आखिरकार आपको धोखा ही मिलता है। इसमें कई ऐसे लोगों की मदद से ये लकी ड्रॉ चलाया जाता है जो पुलिस के मुखबिर होते हैं और मुकामी कुछ बदनाम जो कुछ रुपयों के लिए अपना ईमान तक बेचने वाले लीडर और वो लोग जिनकी जिम्मेदारी बुराई को रोकने की है, यानी अखबारात, चैनल, रिपोर्टर्स, कुछ ऐसे लोग भी इसमें मुलविस होते हैं और अच्छा खासा रुपया कमा कर बैठे हैं और कुछ पुलिस वालों को भी मामूल चला जाता है। यही वजह से कुछ जगहों पे ये धंधा चल रहा है, लेकिन असल में ये गैर कानूनी है। अगर आपको इस बात का पता चले या इल्म हो तो फौरन शिकायत कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी शिकायत ना ली जाए तो आप और हम मिलकर ऐसे पुलिस वालों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं और वो पुलिस स्टेशन से बर्खास्त भी हो सकता है। नाज़रीन, जरूरत है आम आदमी को जागने की और ऐसे बुराइयों से दूर रहने की। ये लोग इसके आड़ में बड़े बड़े धंधे कर रहे हैं। एक राजेंद्र नगर का वाकया नहीं है जो फरार हो चुका है। इससे पहले टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में भी ये बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा था, लेकिन टास्क फोर्स पुलिस की जानिब से उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में भी ये चलाने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। याद रखिए, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो लोकल पुलिस नहीं बल्कि टास्क फोर्स पुलिस है। और हमें इत्तला मिली है कि जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में भी बड़े पैमाने पर ये धंधा चल रहा है और वहाँ की पुलिस खामोशी अख्तियार की हुई है। जरूरत है कि ये बदनाम लोगों को सलाखों के पीछे भेजें और इनके पीछे जो लोग हैं, जो ताकतें हैं, उन पर भी कार्रवाई हो, ताकि आम आदमी को जो लूटने का ये धंधा है वो बंद हो। देखना है कि हुकूमत तेलंगाना और पुलिस के आला अधिकार इस पर क्या काम करते हैं। ये लॉटरी, ये लकी ड्रॉ इसलिए बुरा काम है कि इसके लिए एक आदमी जुआ खेलता है, एक आदमी चोरी करता है, एक आदमी कत्ल करता है और दुनिया के बुरे काम करके ये लकी ड्रॉ के पैसे बनता है। ऐसे कई वाकयात है। बहरहाल, उम्मीद है कि तेलंगाना की पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों को इनकी असली जगह यानी सलाखों के पीछे भेजेगी। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। चार महीने हुआ ड्रा डाल के, जो सो ना तो ड्रा का कोई होता है ना पता है, और उन लोग जो सो ड्रा कब कर रहे हैं क्या है मालूम भी नहीं हो रहा, और जो सो वो ड्रा की जो सो कोई वो भी नहीं दे रहे, डेट भी नहीं दे रहा ना बराबर, कभी 10 तारीख को बोल रहे हैं, कभी जो सो 15 तारीख को बोल रहे हैं, और एक बार जो सो तो किशन पार्क की जो सो है बोल के ड्रा बोल रहे हैं, वहाँ जाके फिरने के बाद जो सो फिर कैंसिल हो गया बोल रहे हैं अचानक वहाँ जाने के बाद। क्या नाम है ड्रा का? ड्रा का नाम और चार जिस बोल के ड्रा है, पहले जो सो लकड़ी का पुल में जो सो उनकी ऑफिस थी, ऑफिस भी उठा दी वहाँ से, उन्होंने ऑफिस उठा दी के फिर जो सो दूसरी जगह ऑफिस जाने बोले, वो ऑफिस भी नहीं मन, घर पे आए तो घर को बंद करके चले गए, और जो सो वो आए थे काम बोलते थे जो सो वो भी नहीं मालूम, एड्रेस पक्का एड्रेस भी नहीं मालूम। तो अपना क्या चाह रहे हैं हुकूमत से? और जिले को जो सो उनके हमारे हमला जो पैसे लगाए वो पैसे होना हमको वापस, और जो सो इन जो हरकत कर रहे हैं उसके पीछे सख्त कार्रवाई होना उन्होंने क्या। मेरा नाम सैयद आरिफ अली है, यू एच आई की जो स्कीम है ये लकड़ी के गुलकंद का ऑफिस था, मैं हमारे दोस्त के द्वारा उनसे मिला था, मिले बाद क्या करे उन्होंने, ये ऐसा है अच्छा है वो है बोल के क्या करे, मैं भी थोड़ा कार्ड सप्लाई करो बोले, तो मैं भी क्या करा थोड़े कार्ड सप्लाई करा उनके, उसके बाद उनको 4 महीने के पैसे ले आके दे रहा हूँ मैं भी बरोबर, उसके बाद जो ड्रा हो रहा है 1 ही महीना प्रॉपर कर रहे ड्रा हो, उसके बाद जो गोल हो गए पता ही नहीं उन्होंने किधर ड्रा कर रहे क्या है नहीं मालूम है, अब पूरे लोग आके मेरे घर पे ठहर जा रहे हैं कि तुम पैसे ले रहे थे मेरे को अब खुलवा देना पैसे बोल के, मैं इनके घर का एड्रेस बहुत मुश्किल से निकाला, उनके घर पे आए बाद भी उनके बीवी ने क्या बोले ना ये घर नहीं होता उनका, ये बाजू का लाख बताए हम वो घर है उनका बोल के बोले, उनके बीवी थे वो हम आपको धोखा दिए उन्होंने, हम लोग अब मेरे को और एक क्या बात है मेरे को 2 महीने से गोल फिरा रहे पैसों के आते, मैं 2 बच्चों को भी काम पे रखाया था वहाँ पर, वो बच्चे 6 महीने से काम करे वहाँ पर, 6 महीने से उनको 65,000 रुपये बाकी है, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिए, उसके ऊपर से वो बच्चे भी मेरे को तंग कर रहे पैसे जो बोल के, तो मैं कहाँ से ला के दूँगा पैसे, बोले हमदर्दी भी करना ऊपर से मारा खाना, ये साले क्या करे पैसे लेके गोल हो गए खा रहे पी रहे मज़े में है, हम हुकूमत से ये जा रहे कि ऐसे चोरों को
जल्द से जल्द अरेस्ट करो और नेक्स्ट टाइम दूसरों को इतनी परेशानी नहीं होना है। ఐదు నెలలైతున్నా సార్ నేను అక్కడ పని చేసిన గ్యాడు కోచింగ్ చేసిన ఐదు నెలల సంది నాకు జీతం ఇవ్వలేదు నెలకు 8,000 ఇస్తాము 5,000 మేము అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాం కాల్ చేయమని చెప్పి రాత్రి వెళ్ళిపోయారు సార్ నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు జీతం ఇవ్వలేదు